नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लब्बित एस्ट्रोलॉजी में। लब्बित एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको पूरी की पूरी छूट देते हैं आपकी अपनी लव लाइफ के संदर्भ में किसी भी समस्या को साझा करने की। हम 24/7 अवेलेबल हैं। हम पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी प्रेम से संबंधित किसी भी समस्या का पूरा समाधान हो। आज हम हाजिर हैं आपके सामने। आज हम बात कर रहे हैं आपके अपने निजी संबंधों पर फिटकरी का क्या प्रभाव पड़ता है। एक्चुअली फिटकरी को इंग्लिश में एलुम कहते हैं और हिंदी में फिटकरी और कहीं कहीं तुरली और बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि कभी आपने देखा होगा सेविंग करने के बाद जिस वाइट से पत्थर को आपके फेस पे रगड़ा जाता है उसे फटकरी कहते हैं। आदिकाल में फटकरी का प्रयोग जल साफ करने के लिए, जो पानी हम पीते थे, पानी को प्योरीफाई करने के लिए, प्योर करने के लिए उसका सदुपयोग किया जाता था। उसको एक कपड़े में बांध करके अगर पानी में घुमा दिया जाए तो पानी की सारी बैक्टीरिया खत्म हो जाती हैं। फटकरी अपने आप में एक ऐसा पदार्थ है जो आपके आकर्षण को बढ़ाने का काम करता है। फटकरी एक ऐसी व्यवस्था है जिससे वशीकरण किया जा सकता है। आज फटकरी का महा उपाय लेकर के हाजिर हूं और आज हम आपको बताएंगे कि फटकरी आपके दाम्पत्य जीवन में कहां काम आ सकती है। आज हम चर्चा करेंगे कि फटकरी से आपके अपने जो लव रिलेशन है उस पर किस आधार पर उसका प्रयोग किया जाए तो आपका जीवन पूरी तरह से चेंज हो जा सकता है। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आज आपको फटकरी से संबंधित पूरी की पूरी ज्ञान और विज्ञान की चर्चा करते हुए आपकी अपनी लव लाइफ, आपकी अपनी मैरिज लाइफ, आपके घर में धन की बरकत कैसे बढ़े, आपके घर में बुरी नजर ना लगे, आपके घर में कोई बीमार ना पड़े, आपके घर में कोई अस्वस्थ ना हो, आपके घर का पैसा बहुत बाहर खराब चीजों में खर्च ना हो, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे आपके अपने जीवन में फटकरी का वास्तविक किस आधार पर प्रयोग होता है, फटकरी से किस ग्रह को बल प्रदान किया जा सकता है, फटकरी की वजह से सूर्य, शुक्र और चंद्रमा ठीक होता है, फटकरी की वजह से बुध और मंगल की दशाएं समाप्त हो जाती हैं, फटकरी की वजह से राहु और केतु का बल कमजोर पड़ जाता है, फटकरी अपने आप में बहुत बहुत अद्भुत औषधि है, फटकरी को अगर दूध में डाल करके पिया जाए तो ब्लड, जमा हुआ ब्लड अपना सर्कुलेशन प्रॉपर कर लेता है। कभी आपको चोट लग जाए, कभी आपको कहीं पर कोई पेन हो, दर्द हो रहा हो, जहां पर ब्लैक स्पॉट पड़ने वाला हो, कभी मार पड़ी हो या कहीं कोई चीज की ठोकर लगने से कोई ब्लैक स्पॉट पड़ रहा हो, वहां फटकरी लगाने से और दूध में फटकरी डाल करके गर्म गर्म पीने से ये चीजें ठीक हो जाती हैं। फटकरी के औषधीय गुण बहुत है, फटकरी के ज्योतिषीय गुण बहुत हैं। फटकरी एक ऐसी सामग्री है, एक ऐसी वस्तु है जिसका जीवन में सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर फटकरी आप अपने बेडरूम में रखते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, हम उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। हम आज बता रहे हैं महा उपाय, हम आज बता रहे हैं महाप्रयोग फटकरी से रिलेटेड। फटकरी हमने हमेशा आपके अपने उपायों में बताया है, आज उसके पूरी की पूरी तथ्यात्मक व्यवस्थाओं को लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। फटकरी अपने आप में एक ऐसी अद्भुत वस्तु है जिसको आपके अपने दाम्पत्य जीवन को कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है। फटकरी से वास्तु दोष समाप्त किया जा सकता है। एक बड़े बॉल में अगर 500 ग्राम फटकरी घर के ईशान कोण में या नैऋत्य कोण में रखा जाए तो घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। अगर दक्षिण और पूरब यानी अग्नेय कोण में फटकरी रखी जाए और बड़े बड़े पीसेस में हो, टूटा हुआ नहीं, तो कहते हैं कि घर में किसी भी प्रकार की नजर नहीं लगती किसी को। फटकरी को काले कपड़े में डाल करके अगर मुख्य द्वार पर डाल दिया जाए तो किसी भी बुरी नजर से बचने की आपको आवश्यकता नहीं, बुरी नजर अंदर प्रवेश ही नहीं करेगी। फटकरी आपके अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत स्ट्रांग करती है। जिस बेड पे आप सोते हो, जहां आप शयन करते हो, जहां आपकी स्लीपिंग मोड में जब आप पहुंच जाते हो, जहां पे जो आपका बेड है उसके राइट साइड में अगर किसी भी
किसी ऐसे बर्तन में जिसका पेट बड़ा हो और मुंह छोटा हो। ध्यान से समझना, जिसका पेट बड़ा हो मुंह छोटा हो, ऐसा कोई भी बर्तन, ऐसे कांच के भी बहुत सारे बाउल आते हैं, उसमें फटकरी रखने से दाम्पतिक जीवन ठीक हो जाता है। फटकरी के साथ साथ थोड़ी सी मिश्री की डलियां अगर डाल दी जाए तो दाम्पतिक जीवन में मधुरता बढ़ जाती है। फटकरी के साथ साथ थोड़ी सौंफ डाल दी जाए तो आपके दाम्पतिक जीवन में अगर किसी की कुदृष्टि लग रही है, अगर आपके अपने दो के बीच में कोई तीसरा प्रवेश कर रहा है तो ठीक हो जाता है। फटकरी को अगर बाह में बांधा जाए तो बुखार समाप्त हो जाता है। फटकरी को अगर जल में डाल करके स्नान किया जाए तो चर्म रोग नहीं होते। फटकरी को डाल के जल में स्नान करने से आकर्षण बढ़ता है, रूप सौंदर्य बढ़ता है, आपका अपना व्यक्तित्व और सुंदर और निखार आता है आपके व्यक्तित्व और आपकी सौंदर्यता में, आपकी त्वचा में। त्वचा से रिलेटेड किसी भी अव्यवस्था के लिए फटकरी सबसे पहली औषधि है। जिनका चंद्रमा खराब है, जिनका मन ठीक नहीं रहता, जिन्हें बहुत डिप्रेशन फील होता है, जिनका मन थोड़ी थोड़ी बातों में परेशान होता रहता है, जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, जो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, उनको अपने पानी को फटकरी से क्योर करके पीना चाहिए। ऐसा करने से आपका मन ठीक होगा, आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा और ऐसी सारी की सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। जिन लोगों के झगड़े बहुत ज्यादा होते हो, जिनको ऐसा लगता हो कि हर बात में क्रोध आता है, बहुत झगड़े होते हैं, बहुत फसाद होते हैं, रिलेशंस मेंटेन नहीं रह पाते, केवल और केवल आपका रिलेशन झगड़ों की वजह से अगर खराब हो रहा हो तो भाई एक काम करना, फटकरी को कपूर में डाल करके जला देना। ऐसा करने से आपके घर की और आपके आसपास की वो ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी। एक और काम आप कर सकते हो, फटकरी को अपने ऊपर से उतार के दूर फेंकने से भी, कहते जब आप क्लॉकवाइज 5 से 7 बार घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाते हो तो आपके आसपास की जितनी निगेटिविटी वो फिटकरी में आ जाती है और उसे अपने से दूर फेंक दीजिए। आप देखिएगा कम से कम 24-36 घंटे आपको क्रोध थोड़ा कम आएगा। ये क्रिया निरंतर करते रहने से आपका क्रोध पूरी तरह से भी समाप्त हो जाया करता है। जो बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं, जहाँ बहुत अच्छी मात्रा में लोग रहते हैं, जहाँ पर विवाद होने की संभावना बढ़ती है, मैक्सिमम आश्रमों में, बड़े अंदर की बात बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, बहुत कम लोगों को पता है, परसेंटेज में लोगों को पता होगा, या यूँ कह सकते हैं कि शायद पूरी की पूरी दुनिया में गिने चुने लोगों को ये बात मालूम होगी, जितने भी बड़े और बिग आश्रम हैं जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ खाने में फटकरी दी जाती है। खाने में फटकरी देने से काम वासना शांत रहती है, आपकी इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं। खाने में थोड़ी सी फटकरी अगर दी जाए तो आपका मन शांत रहता है, आपका ध्यान योग समास में मन ज्यादा लगता है, आपको ईश्वरी प्रवृत्ति की तरफ मन ज्यादा झुकने लगता है अगर फटकरी निरंतर थोड़ी सी खाने में डाल के दी जाए तो। फटकरी पानी में डालने से अलग प्रभाव देती है, खाने में डालने से अलग प्रभाव देती है, दूध में डाल करके पीने से अलग प्रभाव देती है। जिन लोगों को नशे की आदत है, जो लोग किसी भी लत में हैं, वो कोई भी नशा हो, चाहे मोबाइल का नशा हो, चाहे गलत चीज़ों का नशा हो, गलत संगति का नशा हो, उनको थोड़ी सी फटकरी देने से, ऐसी अव्यवस्थाओं से धीरे 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 देखा गया है कि इस चीज़ में भी लाभ मिलता है। फटकरी के अनेकों प्रयोग हैं, अनेकों इसके लाभ हैं। फटकरी अपने आप में प्राकृतिक औषधि है, ये ऐसी वनस्पति तंत्र है, एक वनस्पति तंत्र करके ग्रंथ है, उसके अंदर की ये ऐसी औषधि है, एक ऐसा पदार्थ है ये, जिसको भगवान ने आपको स्पेशली दिया है और भगवान चाहते हैं कि आप इस वस्तु का सही से सदुपयोग कर सके, इस वस्तु को अपने जीवन में पूरी तरह से डाल सके। अगर आप से कोई आदमी रूठ करके दूर चला गया हो, अब देखो ध्यान से समझना, अगर आपसे कोई भी व्यक्ति रूठ कर दूर चला गया हो, नए रुमाल में फटकरी के साथ में किसी भी मीठी वस्तु को रख करके अपने ऊपर से उतार करके दूर कहीं फेंकने से, सुनसान जगह में, जलाशय के पास में डालने या रखने से, उस व्यक्ति का आकर्षण बढ़ने लगता है। फटकरी के डली में रोज ओम ह्रीम नमः आकर्षणाय नमः, ऐसा मंत्र बार 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 बोल करके उस फटकरी को सिद्ध कर ले, 7 दिन में सिद्ध हो जाएगा। शुक्रवार से शुरू करना, 7 दिन कंटिन्यू करना, उसे सिद्ध करके लाल कपड़े में करके जिस भी व्यक्ति की फोटो के साथ बांधोगे, वो व्यक्ति ऑटोमेटिक तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेगा और आपका वशीकरण हो जाएगा।
बहुत धन्यवाद। मैं फिर कोशिश करूँगा, फिर आऊँगा, फिर नई बातें बताऊँगा, फिर कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जो बहुत स्पेशल होंगी तुम्हारे लिए। फिर हम आपके जीवन को मूल्यवान बनाने आएंगे, आपके जीवन में प्यार भरने आएंगे और आपको फिर से लव विद एस्ट्रोलॉजी का एहसास कराएंगे। तो प्रेम से रहिए, ध्यान रखिए अपना, खूब प्यार कीजिए, मुस्कुराते रहिए। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं बैठा हूँ, चिंता मत करना। हमारे अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए मैं निरंतर साथ में हूँ। बहुत स्नेह है तुमसे, इसलिए रोज आने लगा हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। ईश्वर आपको बहुत बहुत मूल्यवान, धनवान, यशवान, कीर्तिवान करे। नमस्कार।